रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये जो चैप्टर इस चैप्टर में बेसिकली एक कहानी के थ्रू मतलब जो रिजर्वेशन दिया गया था 27% सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उस कहानी के कंटेक्स्ट में बताया गया कि कैसे कंट्री में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, उस डिसीजन के थ्रू ये समझाया गया कि कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो ब्रॉडली तीन इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे, तो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, उनका काम करने का तरीका, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में जानने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सबके बारे में, और लास्ट में जुडिशियरी यानी कि हमारे कोर्ट्स की फंक्शनिंग, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको दर्शाता है कि हाउ द इंस्टीट्यूशंस वर्क। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर हमारा शुरू होता है गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ। 13 अगस्त 1990 के दिन एक ऑर्डर इशू होता है जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, जो एक मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके जॉइंट सेक्रेटरी एक ऑर्डर इशू करते हैं और उस ऑर्डर से तहलका मच जाता है क्योंकि उस ऑर्डर के थ्रू सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया गया था और उन्हें 27% जॉब्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया गया था। इतना बड़ा निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लेता, इसके पीछे बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आप बैकड्रॉप में जाकर देखोगे तो होता यूं है कि एक बार सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जाता है, वहां पे सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन में बीपी मंडल को अध्यक्ष बना के कमीशन को गठित किया गया, जिसका काम था कि यह देखा जाए कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है कंट्री में उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकता है। 1979 में कमीशन बना था, 1980 में बीपी मंडल ने इस कमीशन की अध्यक्षता करते हुए एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। बात वहां ठंडे बस्ते में चले गई। फिर आप देखते हैं 1980 के बाद में 1989 में जब इलेक्शन हो रहे थे, किस चीज के, जनरल इलेक्शन कंट्री में, तब जनता दल ने यह मुद्दा उठाया कि अगर हम चुनाव में आते तो हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे लॉ बनाएंगे, और उसी चीज पे काम करते हुए बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है। बीपी सिंह की गवर्नमेंट जैसे ही बनती है तो 1990 में वो एक लॉ लाते हैं, इस लॉ में 27% रिजर्वेशन दिया गया, ये वो ऑफिस मेमोरेंडम था। डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हुआ, सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया। इस मुद्दे को जब पब्लिक में रखा गया तो पब्लिक, जब लॉ पास हो जाता है तो पब्लिक दो भागों में बढ़ चुकी थी, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग अपोज कर रहे थे। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये रिजर्वेशन देना वैलिड है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वो सजेस्ट करता है और इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। ये केस स्टडी जो बताती है कि कंट्री में एक मेजर डिसीजन कैसे लिया गया। अगला सवाल कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड क्यों होती है। हमने देखा कि यहां जो निर्णय लिया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया गया, जुडिशियरी का भी उसमें रोल था, प्रेसिडेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी, पार्लियामेंट का भी। तो इस सेंस में ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कंट्री के वर्किंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से तीन मेन इंस्टीट्यूशंस जो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो पहला है लेजिस्लेचर यानी कि जहां लॉ बनता है वो है पार्लियामेंट, इट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंजॉय करती है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पहुंचाते हैं। नेशनल लेवल पे इसे पार्लियामेंट, संसद भवन कहा जाता है, और हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है। पहला काम है लॉ बनाना, पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग लॉ, नए लॉ बनाना, पुराने हटाना, पुराने में चेंज करना, पुराने रिप्लेस करके नए ले आना, सब कुछ पार्लियामेंट में होता है। नहीं मानता। दूसरी चीज जो पार्लियामेंट करती है वो ये करती है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं उन पे कंट्रोल रखना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव तक ही पावर एंजॉय कर पाएंगे जब तक उनके पास सपोर्ट है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी है। तीसरी चीज आपको देखने को मिलती है कि मनी रिलेटेड जो भी मैटर्स है, पैसा कैसे खर्च होगा, वो तब तक तय नहीं किया जाएगा जब तक पार्लियामेंट उसे सैंक्शन नहीं करेगी। और चौथी चीज, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन इन द कंट्री, हर मुद्दा पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है। अब जब पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो पार्लियामेंट के इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो हाउसेस में। एक है जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जहां आप क्या देखते हैं, हाउस ऑफ पीपल जिसे कहा जाता है, जो हमारे देश में लोकसभा है,
और एक कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा कहा जाता है। कोई भी लॉ बनाया जाता है लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, और प्रेसिडेंट का भी एसेंट चाहिए रहता है। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है इस सेंस में, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। लोकसभा को हमारे देश में लोअर चैम्बर कहा जाता है, राज्यसभा को अपर चैम्बर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। एक कारण यह है कि डायरेक्ट पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें बैठ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर क्वेश्चन आता तो ध्यान रखना कि व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। मगर क्यों? पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी लॉ पास किया जाता तो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, लेकिन अगर वो दिक्कत आ रही है लॉ को पास करने में तो जॉइंट सेशन होते हैं, और जॉइंट सेशन में लोकसभा का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, 543 मेंबर्स, राज्यसभा के 245 मेंबर्स ही होते हैं, और इस केस में द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। दूसरा चीज है मनी मैटर्स। लोकसभा के पास में ज्यादा पावर होती है मनी रिलेटेड मैटर्स पे डिसीजन लेने का। कोई भी लॉ अगर मनी रिलेटेड है तो वो लोकसभा में ही पास हो सकता है और राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन तक डिले ही कर सकती है या फिर कुछ चेंज सजेस्ट कर सकती है। और तीसरी चीज जो लोकसभा को और पावरफुल बनाती है वो ये है कि लोकसभा मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। वो व्यक्ति जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करना पड़ सकता है। राज्यसभा के पास ऐसी पावर्स नहीं है। ये था पूरा का पूरा लेजिस्लेचर। अगला पार्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब द वन हु एग्जीक्यूट द डिसीजन। तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये जो लॉ एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। अब एग्जीक्यूटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में हम उन्हें अगर जिता देते हैं तो वो फिर अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हैं, और दूसरा होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नाम ही बता रहा है कि ये परमानेंट रहने वाले हैं, जो एग्जाम क्लियर करके आते हैं, जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कोई एसपी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, जो देश का स्ट्रक्चर बनते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स 5 साल के बाद आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर देयर टू रन द कंट्री। अ पॉइंट ये होता है कि ज्यादा पावर फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास क्यों होती है? तो देखो, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट हो सकता है अपनी अपनी फील्ड का, इकोनॉमिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लोगों की जनमत से आया है, वो पीपल्स सपोर्ट इंजॉय करता है, और डेमोक्रेसी में पीपल्स आर सुप्रीम। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। पहले एग्जीक्यूटिव जो है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर के कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी जो रहता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहते हैं उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। माना कि कोई व्यक्ति इलेक्टेड नहीं है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन बनने के बाद में 6 महीने के अंदर उसे इलेक्ट होकर आना होता है, कहीं से चुनाव जीत के आना होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 3 रिंग्स हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि मेजर मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, जो कि टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिन्हें माइनर मिनिस्ट्रीज दे दी जाती है और मीटिंग में जब जरूरत होती तभी बुलाया जाता है। और तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जो कि अटैच कर दिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उन्हें असिस्ट करने के लिए। अब देखो, प्राइमरली देखा जा रहा है तो मेजर पावर कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है। कैबिनेट मीटिंग्स जो होती है उसमें ही मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, और ये सारे मिनिस्टर्स को एक साथ एक जैसा काम करना होता है पार्टी लाइंस पे, गवर्नमेंट की लाइंस पे। इन्हें असिस्ट करने के लिए कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स दिए जाते हैं, जिन्हें कैबिनेट सेक्रेटरीज कहा जाता है, जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अब बारी आती है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रैक्टिकली सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। सारी कैबिनेट मीटिंग्स को प्रिसाइड करना, ये डिसाइड करना कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करेगी, उनके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्क को सुपरवाइज करना, अगर कोई कंफ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर की रहेगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर कैबिनेट पावरफुल है तो सुपर पावरफुल होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जलवा है हमारा प्राइम। इनफैक्ट आप ये भी देखो, जब इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, तो मीडिया ये शो करता है कि दोनों ही पार्टीज के, अगर कोई दो प्रोमिनेंट पार्टीज है, उनके टॉप लीडर्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है, तो इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होता है प्राइम मिनिस्टर का, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन उस कुर्सी पर बैठा है। अब आप जिसे देखेंगे तो कोलिजन गवर्नमेंट जब बनती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर उतनी पावरफुल नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को फिर अपने सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए कोलिजन पार्टनर्स के सामने झुक के चलना पड़ता है। अगला एग्जीक्यूटिव ऑफिस है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्रैक्टिकली फर्स्ट पर्सन है। आप देखेंगे तो उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो पहले इंसान है, सबसे ऊपर वो है। जो इलेक्टेड एमपीज और एमएलए होते हैं वो उन्हें वोट देते हैं, और उस हिसाब से तय किया जाता है कि कंट्री का प्रेसिडेंट कौन होगा।
पावर्स की बात आती है तो जितना डायरेक्ट मैंडेट प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं उतनी पावर प्रेसिडेंट नहीं करते। रीजन इज वेरी सिंपल, डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर फिर भी वो पॉपुलर मैंडेट एंजॉय करते हैं। आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली सारा काम होता प्रेसिडेंट के नाम के अंदर ही है। कोई भी लॉ पास होगा तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए रहेगा, अपॉइंटमेंट सारे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ होता है ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक सवाल आपके मन में आ सकता है, तो प्रेसिडेंट खुद भी कुछ करते हैं? गुड क्वेश्चन। जी हाँ, जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तब सरकार कौन बनाएगा? तो प्रेसिडेंट जिसे इन्विटेशन देते हैं वो व्यक्ति आता है और अपनी मेजोरिटी प्रूफ करता है। तो इस केस में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन, अपना खुद की इच्छा से वो काम कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि वो बॉडी जो जस्टिस प्रोवाइड करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। हमारी कंट्री में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट से और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। इनके डिसीजन एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग रहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल पे है तो वो जो निर्णय लेगा वो सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को मानना होगा। हमारी जुडिशियरी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती है, जैसे दो लोगों के बीच में, सिटीजंस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, दो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट होते हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने का काम जुडिशियरी करती है। आपको यह देखना होगा कि जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है ताकि वो बिना किसी के दबाव में निर्णय ले सके, और इंडियन जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। उसके अपॉइंटमेंट को देख लो, आप जजेस को रिमूव नहीं कर सकते हो, इंपीचमेंट मोशन लाना होता है। जुडिशियरी यहां पे आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन की तरह रोल प्ले करती है। So this was the whole chapter. I hope you guys enjoyed it. Full chapter explanation आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।